हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्यूबलाइट की वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हमें ट्यूबलाइट की पट्टी चाहिए, दूसरा ट्यूबलाइट, तीसरा साइड होल्डर, चौथा चोक, पांचवा स्टार्टर होल्डर, छठवा स्टार्टर, सातवा कनेक्टर, आठवा स्मॉल नट एंड बोल्ट्स, नौवा सिंगल वायर, दसवा टू कोर वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्यूबलाइट की पट्टी लेंगे, फिर हम चोक लेंगे। अब हम चोक को नट और बोल्ट की सहायता से फिक्स करेंगे। फिर हम साइड होल्डर लेंगे। जब हम होल्डर को इस तरह घुमाते हैं, फिर ये दोनों मेटल प्लेट दिखने लगते हैं। यदि प्लेट इस तरह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि होल्डर सही है। अब हम तार लेंगे। फिर इसका एक तरफ पहले होल्डर के पहले पॉइंट में जुड़ेगा। अब हम स्टार्टर होल्डर लेंगे, फिर सेलियो, फिर इसे दो भागों में काट देंगे। फिर यहां पर सेलियो डालेंगे। फिर पहले तार का दूसरा तरफ स्टार्टर होल्डर के पहले पॉइंट में जुड़ेगा। अब हम दूसरा तार लेंगे, फिर सेल्यू डालेंगे। फिर इस तार का एक तरफ स्टार्टर होल्डर के दूसरे पॉइंट में जुड़ेगा। फिर हम इस साइड होल्डर को नट और बोल्ट से फिक्स करेंगे।
अब हम दूसरा साइड होल्डर लेंगे। फिर इस दूसरे तार का दूसरा तरफ दूसरे साइड होल्डर के पहले पॉइंट में जुड़ेगा। अब हम तीसरा लंबा तार लेंगे। फिर इसका एक तरफ दूसरे होल्डर के दूसरे पॉइंट में जुड़ेगा। फिर हम इस होल्डर को फिक्स कर देंगे। अब हम कनेक्टर लेंगे। फिर इसे फिक्स करेंगे। चलिए हम इन सभी पॉइंट को ए बी सी और डी नाम देते हैं। अब तीसरा तार का दूसरा तरफ कनेक्टर के डी पॉइंट में जुड़ेगा। फिर हम चौथा तार लेंगे। फिर इसका एक तरफ कनेक्टर के सी पॉइंट में जुड़ेगा। फिर इस चौथे तार का दूसरा तरफ चोक के पहले पॉइंट में जुड़ेगा। अब हम पांचवा तार लेंगे। फिर इसका एक तरफ चोक के दूसरे पॉइंट में जुड़ेगा। फिर इस पांचवें तार का दूसरा तरफ पहले साइड होल्डर के दूसरे पॉइंट में जुड़ेगा। फिर हम फर्स्ट साइड होल्डर को फिक्स करेंगे। फिर हम सभी तार को व्यवस्थित कर लेंगे। अब हम टू कोर वायर लेंगे। फिर ये दोनों तार कनेक्टर के ए और बी पॉइंट में जुड़ेंगे।
फिर हम स्टार्टर लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। हमारा सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए इस ट्यूबलाइट को चेक करते हैं।